हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे। वैसे मंडियाली धाम खाकर अब हम निकल पड़े हैं शिमला की तरफ। मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी मज़ा आने वाला है आगे, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। रास्ते में जो है, अभी हम मंडियाली धाम खा के निकले ही थे, तो रास्ते में अभी हमने चंडीगढ़ हाईवे पकड़ा था और हमें मिला है शिकारी माता मंदिर। ये जो मंदिर है, मैंने इसके बारे में बस सुना था, ज़्यादा मुझे कुछ इस बारे में नॉलेज नहीं है, पर मैंने बहुत सुना इस मंदिर के बारे में। सोचा कि अभी हमने गाड़ी रोकी कि चलो यार चलते हैं, रोड ट्रिप है बनता है यार, मतलब ऐसे कोई फील नहीं आएगी ना रोड ट्रिप वाली। ये देखिए शिकारी माता मंदिर, सिद्ध शक्ति पीठ है ये, तो चलो। और इसकी लोकेशन जो है वो है नौलखा सुंदर नगर, ठीक है, तो चलो अंदर चलते हैं। शिमला जाते हुए रास्ते में ही आता है सुंदर नगर, वहीं पर है ये मंदिर शिकारी माता का। वैसे इनका एक और मंदिर है जो कि है झंझेली से 18 किलोमीटर की दूरी पर। वैसे अगर आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो यहाँ भी जरूर होते जाइएगा। पहले शिकारी माता रुके थे, फिर चलते चलते अभी शिमला की ही रोड पे एक मंदिर आया है मार्कंडेय ऋषि टेम्पल करके। 3 किलोमीटर था रास्ते में था, तो हमने कहा हम यहाँ भी होते जाते हैं, तो चलते हैं और देखते हैं जाके। सुंदर नगर के बाद अब हम रुके हैं बिलासपुर में ऋषि मार्कंडेय टेम्पल में। कहा जाता है कि ये मंदिर काफी प्राचीन है, यहाँ पर ऋषि मार्कंडेय जी चिरंजीव हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग चार धाम यात्रा करने जाते हैं उनकी वो यात्रा तभी सफल होगी जब वो इस मंदिर में ऋषि मार्कंडेय जी के मंदिर में आएंगे और यहाँ पर स्नान करेंगे। यहाँ की जो मेन अट्रैक्शन है वो है ये स्नान घर। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, स्नान करते हैं और अपने साथ पानी भी ले जाते हैं। वैसे अभी कोविड के चलते स्नान घर बंद किया हुआ है, पर हाँ आप यहाँ से पानी जो है वो ज़रूर लेके जा सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं शिमला। अभी हम थोड़ा सा मतलब पहुंचे ही थे, तो हमें बीच में रूम्स हमने देखे हैं जस्ट अभी आए हैं। मॉल रोड से बहुत नीचे जाके है रूम्स। इस जगह का नाम है हनु वाटिका। बाकी जो वहाँ के ऊपर हैं वहाँ पे मॉल रोड पे बहुत कॉस्टली रूम पड़ रहे थे, यहाँ से हम थोड़ा नीचे आए तो 700 का मिला है, बहुत बार्गेनिंग करके। ये तो शायद 900 का बोल रहे थे, तो कैसे तैसे हमने बार्गेनिंग की है, जस्ट पहुँचे हैं अभी। ठंड बहुत है, नवंबर का महीना है, सो चलते हैं अंदर, मैं आपको रूम्स दिखाती हूँ। तो लेट्स गो, चलते हैं। हम बहुत थक चुके हैं, मतलब हमें बहुत आराम से हम आए हैं, और लेट्स गो। सो गाइज, ये रहा जो 700 का है, ये पूरा ये लगा है, ये देखिए साथ में सोफा है और ये बालकनी आ गई। नाइस, वाओ नाइस, व्हाट अ व्यू भाई। साथ में ये आ गया रूम, वाओ सुपर नाइस। छोटा है, छोटा है पर बहुत प्यारा है। ये देखिए सुबह क्या व्यू होगा यहाँ से, मतलब धासू बहुत अच्छा है। जो वॉशरूम, नाइस वॉशरूम इज ऑल्सो गुड। ये दूसरा रूम, सेकेंड रूम अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब
700 में पूरा हमें मिल गया, छोटी सी लॉबी, दो रूम्स, 700 मान गए भाई साहब। शिमला में इतने रेट में मिलना मुश्किल है। मैं आपको एड्रेस इसका दे दूंगी, आप कभी भी आ रहे हैं तो बार्गेनिंग करके आएँ। तो मैं थोड़ा सामान रखूँ, फ्रेश हूँ, बहुत थक चुके हैं। सो गाइज, आज का ना हमारा बहुत अच्छा हमने सेटअप किया है, क्योंकि आज का जो हमारा रूम है, आपने देखा कि हमें एक छोटी सी लॉबी भी मिली है। साथ में देखिए, ये पूरा हमारा किचन का सेटअप है। ये देखिए, ये केटल आज बनने वाला है, ये बहुत कुछ, ये आगे स्पून, ये बहुत कुछ बनने वाला है। ये आगे हमारे लेमन, ये ब्लैक सॉल्ट, ये पीनट बटर, ये दूध, चटैक्स, फिर आपी वगैरह, मैगी, ये चाय, ये दही, ये बटर, ऑल टाइम फेवरेट। ये आ गए हमारा कढ़ाई चावल एंड वेज बिरयानी। मैगी के लिए लाए हैं आज हम ना गार्लिक मैगी बनाने वाले हैं, गार्लिक जिंजर मैगी, ये स्पून, ये हमारी मतलब आज पूरा सेटअप हमने रेडी कर दिया है। सिटिंग एरिया रखा है यहाँ, आज हमारा ये बैठेंगे सारे मिलजुल के और मूवी देखने का प्लान है। तो जो हमने रात का सेटअप किया है उसका मेन था कि यार अभी कुछ दिन पहले जो है मनाली, मंडी और धर्मशाला, कांगड़ा में जो है नाइट कर्फ्यू शुरू किया है, मतलब रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो हम 7:30 हम यहाँ पे पहुँचे थे और हमारे पास कुछ नहीं था, तो शुक्र है हमने ये ना रास्ते में ले लिया था। तो हमने ये सेटअप कर लिया है, यही आज का हमारा रहेगा डिनर। सुबह निकलेंगे, सुबह सुबह तो वैसे खुल जाएगा। सो बहुत टाइम ना वेस्ट करते हुए खाते हैं कुछ। ट्रैवल करते टाइम हमने अपने साथ रखा था कढ़ी चावल और वेज बिरयानी, जो कि है रेडी टू ईट मील्स, मतलब आप हॉट वाटर डालें और 8 मिनट्स में आपकी ये दोनों चीज़ें रेडी हो जाएंगी, है ना इजी। वैसे अगर आपको उसका लिंक चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, और टेस्ट बोलो तो बहुत अच्छे थे और कढ़ी चावल मेरे फेवरेट हैं। सुबह मिलते हैं, चलेंगे आसपास की जगह, क्योंकि हमने एक ही दिन हम शिमला रहने वाले हैं, ज़्यादा हम रहने नहीं वाले हैं। तो नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।